अखिलेश ने भी कहीं ना कहीं खेल खेला है इसमें, खेल के इस्तेमाल किया है इनको, इस्तेमाल करने के बाद इनके साथ, क्योंकि अखिलेश अगर इतने ही अच्छे होते तो अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए ना उस दिन योगी जी को भड़काने वाले अखिलेश यादव ही थे। बहुत सारे लोग आप लोगों के पास आएंगे, आपके हमनुमा बनेंगे, आएंगे जब चुनाव का मार के भगाएंगे, जूते से मार के भगाएंगे, बता रहे आपको ना। एक दिन तो बाबा जी को वोट दे भी देंगे। अच्छा, बाबा जी को वोट दे देंगे? हाँ, क्यों? बस दे देंगे, बाबा जी की समझ में नहीं आए बाबा जी ने क्या कहा है, बाबा जी ने क्या कर दिया है, मगर बाबा जी सही हैं, उनको वोट दे देंगे, उनको वोट हाँ दे देंगे, अखिलेश को नहीं देंगे, बहन जी को नहीं देंगे, उनको तो जूते से मार के भगाएंगे। आपका नाम? शबनम नाम है हमारा जी। शबनम जी, यहाँ पे एक और चीज़, मतलब आप लोग जैसे आई हैं यहाँ पे, तो क्या जो शाइस्ता परवीन जी, क्या वो भी आने वाली हैं यहाँ पे मिट्टी में? शाइस्ता परवीन तो आने वाली हैं, नहीं आने वाली हैं ये तो हम लोग नहीं बता सकते। फरार 50,000 की इनामी? नहीं, एक माँ नहीं है यहाँ पर, यहाँ सैकड़ों माँ आएंगी, ये आप समझ लीजिए। एक माँ को इतना परेशान कर दिया गया है कि जिसकी आज 19 साल का बेटा इस दुनिया में नहीं है, ये समझ लीजिए वो माँ पता नहीं कहाँ है, जिंदा है कि मर गई हैं, ये तो आप ही लोग बता सकती हैं कि, इसलिए आप लोग जिसको चाहती हैं उछाल देती हैं, जिसको चाहती हैं दबा। मैं यहाँ पे उमेश पाल का भी नाम लेना चाहूँगी। उमेश पाल के बच्चे नहीं थे? धूल नहीं थे, वो दूध के सपे नहीं थे, ये आप समझ लीजिए, वो बहुत अच्छे नहीं थे, वो बहुत अच्छे नहीं थे। उनका क्या इतिहास देखिए ना, पहले आप उनका इतिहास देखिए। यहाँ के रहने वाले लड़का आ रही है, माता में आई, मिट्टी में आई, लड़ेंगी। बात कर रही ना उमाश, देखिए बात की बातें यहाँ हो रही हैं। आप क्या जो फोटो दिखाई जा रही है, क्या ये इस बच्चे की फोटो थी, ये आप बताइए। मतलब वो जो सीसीटीवी कैमरे में जो वो बंदूक निकाल के भागता हुआ नजर आ रहा है, जो बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने 5-6 अपराधियों के नजर आ, हम लोगों ने तो क्या वो अरशद नहीं? नहीं, अरशद को तो देखा है, अरशद को देखा, लेकिन हम लोगों को दिल नहीं बोलता अरशद ये है। आज अरशद को तो बेगुनाह मार दिया गया है, बेगुनाह मार दिया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया? उसने कोई अपराध नहीं किया, वो कल का बच्चा क्या अपराध करेगा, अपराध करने लायक था क्या वो? तो फोटो इमेज भी जो है वो यहाँ पे बदल दी जाती है, उसका मायने अलग एक निकाला जाता है, ये भी मैंने आपको यहाँ से दिखाने का और भी लोगों से प्रयास किया। नाम बताइए। मेरा नाम रेहाना है। रेहाना जी, यूपी पुलिस की सेक्शन पे क्या कहिए? अब मैं क्या कह सकती हूँ, जो सही है गलत जो है वो सही है सब, मोस्ट प्राउडली। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? बताइए, नाम बताओ। देखिए, सानिया नाम है मेरा। मज़हब के नाम पे यहाँ पे इनकाउंटर किया गया है, मुसलमानों को बहुत वीक समझ लिया गया है, ठीक है। और आतंक ये अतीक का साम्राज्य जो था, मतलब हर दिन हजारों का। बताओ बच्चे, अपना नाम क्या? सानिया नाम है मेरा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 12th में। तो मतलब यहाँ पे और भी कांड होते हैं, हर दिन रेप होता है उनका, मतलब उन रेपिस्ट का तो इनकाउंटर नहीं करवा देते योगी जी। और मतलब अचानक असद को ऐसा करवाया गया, यहाँ पे मुसलमानों को मतलब टारगेट बनाया गया है, सिंपली ये कहा जा सकता है। असद वैसी जी ने भी यही तो कहा है ना, मजहब के नाम पर उन्होंने एनकाउंटर किया गया है। अच्छा, अखिलेश आप क्या कह रही हैं? अखिलेश की चाल कैसे? सबसे बड़ी चाल थी, हाँ, अखिलेश ने वहाँ बोला था मिट्टी मिलाने को, बाबा जी आप ने मिट्टी मिलाना, मतलब आप ही कह रहे हैं कि अखिलेश ने कहीं ना कहीं उकसाया, जिसकी वजह से ये पूरा हुआ है, ये हुआ। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि ये तो भाईचारे, वो तो आप लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। अभी तक तो वो नहीं बोले थे ना, अब उनको मुसलमानी वोट चाहिए ना, मुसलमान इतना बड़ा बेकोप नहीं है कि उनको वोट देगा। फिर ये जो वो भूल जाए वोट अब। लेकिन वो बोलते हैं दीदी कि ये तो भाईचारे का इनकाउंटर है, वो कहीं ना कहीं अभी सॉफ्ट वो कर रहे। बोलेंगे ना, वो बोलेंगे नहीं तो पब्लिक को अपनाएंगे कैसे, मुसलमान को अपनाएंगे कैसे? आज उन्हीं की बदौलत तो ये बच्चा मारा गया है, किसी की और बदौलत नहीं मारा गया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। जो 19 साल का बच्चा मारा गया है, जिसे वो हाजिर हो गया था, सुनते हैं हम लोग तो जानते नहीं है, तो उसको हवाले कर देना चाहिए था। जो करता है जज करता है, प्रशासन क्या ये नहीं है कि आप जैसे राजनेता वगैरह, ये तो अपनी एक एविडेंस की बात है कि क्या अभी अगर हम लोग ये बात करें कि जैसे इस केस के ऊपर बड़ी राजनीति खेली जाएगी, बहुत सारे लोग आप लोगों के पास आएंगे, आपके हमनुमा बनेंगे, आएंगे जब चुनाव का मार के भगाएंगे, जूते से मार के भगाएंगे, बता रहे आपको ना। हाँ, क्योंकि भाजपा तो शायद मेरे ख्याल से आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब तो पक्का आपके दरवाजे आने वाले हैं, तो क्या आप लोग उनका समर्थन करेंगे? नहीं, कोई नहीं, जूते से मार के भगाएंगे। एक दिन तो बाबा जी को वोट दे भी देंगे। अच्छा, बाबा जी को वोट दे देंगे? हाँ, क्यों? बस दे देंगे, बाबा जी की समझ में नहीं आए बाबा जी ने क्या कहा है, बाबा जी ने क्या कर दिया है, मगर बाबा जी सही हैं, उनको वोट दे देंगे। हाँ, दे देंगे, अखिलेश को नहीं देंगे, बहन जी को नहीं देंगे, उनको तो जूते से मार के भगाएंगे।
मतलब गुस्सा भी जो है, हाँ बुलडोजर बाबा हर हाल में वो सही होते हैं हमेशा, जैसे उन्होंने बोला था वो बुलडोजर बाबा हैं, तब मुसलमानों को टारगेट बना के उनका घर गिराएंगे, गोली से मरवाएंगे, बस उनका काम ही यही है। हमने देखा है उनके यहाँ बच्चों मुसलमान का न्याय पहले करते हैं, उनके गोरखपुर में उनके मठ में हम गए थे बहुत पहले, हमने देखा जब कुछ नहीं थे ये, तब हमने देखा ऐसा लगता है गुस्सा दिला दिया बाबा को, इनकी मेंटली सही नहीं है, और अखिलेश जो है अखिलेश ने इनको ताव दिलाया, हाँ और ये कांड किसने किया, हम तो कहते हैं कि हो सकता है अखिलेश ने किया हो, इसकी जांच होनी चाहिए, हम तो समझ सापा की इसमें चाल है, वो तो कह रहे हैं कि जिसने जिस पुलिस वाले ने ये किया उसके ऊपर एक पूरा जांच बैठ जानी चाहिए, वो तो खुद आप लोगों की तरफ से कोई करवा भी तो सकता है, कोई और दूसरा तीसरा नहीं करवा सकता, आपने देखा नहीं कि कोई कांड होता है उसमें तीसरा का भी हाथ होता है, और जब तक झगड़ा जब होता है जब इसमें तीसरा आदमी शामिल होता है, दो में झगड़ा नहीं होता, झगड़ा तीसरे में होता है, जब तीसरा उसमें बिचौलिया रहता है तो वही झगड़ा कराता है, ये भी कांड कोई कराया गया, इसकी भी अगर कायदे से जांच होगी कभी तो ये पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी की पानी। मैं यहाँ पे लोगों में आपको बताऊँ, लोगों का जो इमोशन है मैं वो पढ़ पा रही हूँ, वो महसूस कर पा रही हूँ, बहुत सारे लोग मैंने अत्यधिक जितने भी, क्योंकि लोग यहाँ पे मिट्टी में आए हैं तो वो ये तो कह रहे हैं कि जी गलत हुआ, लेकिन ये आप सभी को हम लोगों को सबको पता है कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पे निकल करके सामने आई है कि ये जो किया कराया है वो अखिलेश यादव की तरफ से किया कराया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने बाबा को उकसाया, मैंने कहीं पे भी योगी आदित्यनाथ की बुराई नहीं सुनी है, ये राशन देते हैं बहुत अच्छे हैं, राशन देते हैं, नाम बताइए अपना, रजिया, वो राशन देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, सब करते हैं, वो कहीं से गलत नहीं है, उनको गलत साबित नहीं करा जा सकता, बस ये बच्चे के साथ गलत हुआ है, हम मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे अगर आतिक का कुछ हो जाएगा तो, बस बहुत गलत हुआ, उस बच्चे की मौत हुई है, उमेश पाल के साथ? उनके साथ भी गलत हुआ है, मगर अदालत बाबा यही तो कह रहे हैं जैसे का तैसा, अदालत फैसला करती है, फैसला पुलिस वाले नहीं करते, अदालत फैसला देती सर आंखों पर, हम लोग मंजूर कर लेते उसका फैसला, बस और कुछ नहीं कहना चाहते, आप उसकी मिट्टी को ला दीजिए, हम लोग देख ले बस, और कुछ नहीं मांग हम लोग। अच्छा मिली है कभी असद से? हाँ मिलते हैं, आते हैं, वो गरीबों की बहुत मदद कर देते हैं सब, हम मुस्लिम के भाई थे और कुछ बस, और क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकते। आपसे आपकी कभी मदद की है? हाँ बहुत कभी, बताइए, शादी ब्याह सब, बच्चों की शादी ब्याह वगैरह सब, पढ़ाई लिखाई सब, जब आते वो कर देने, कहीं ना कहीं आज दिल में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा है, इसलिए आंखों में आंसू भी छलक रहे हैं, आंख मेरा दिल रो रहा, इस पर मेरी तबीयत बहुत खराब है, हम दवा खा के आए, ये एक आप कहिए तो एक दिल दहलाने वाला यहाँ पे, जो क्योंकि आप कहते हैं कि जिसको मानने वाले, चाहे नेता हो चाहे बाहुबली हो चाहे अपराधी हो, अगर जो उसके अपने लोग होते हैं वो शायद उसके लिए रोते, तो इतने सारे जो यहाँ पे लोग हैं, महिलाओं की तादाद आप दिखाइए आकाश, मैं आपसे कहूँगी कि मैं अंदर भी चल के लोगों से बात करने का प्रयास करूँगी, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी औरतें यहाँ पे मुझे आँखें नम नज़र आ रही हैं औरतों की, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, आपका नाम बताइए क्या है, इधर इधर सुनिए, इधर सुनिए, आपका नाम दीदी, आप दूसरे से पूछ, नाम परमीन, परमीन जी क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के इस एक्शन, भैया हम नहीं जानते बेटा, हम तो ना यहाँ पे मतलब मिट्टी में आए बस, तो मतलब आप आसपास रहती हैं या फिर परिवार में से कोई नहीं है, हम लोग करैली से दूर से आए हैं, सुन के मट्टी सुन के आए देखने के लिए, आखिरी दीदार कर ले। अच्छा मतलब कभी मिले असद से या फिर अतीक से, कभी मिले? कभी नहीं मिले, सुना है हम लोग सुनने पे आ गए। तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश की तरह से कहा जा रहा है कि हमने मिट्टी में मिला दिया अपराधियों को, हम जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, भयमुक्त उत्तर प्रदेश जो है वो एक तरीके से कहा जा रहा है, आपको लग रहा है उस तरफ है उत्तर प्रदेश? नहीं तो या तो कोर्ट के आदेश से करते, कोर्ट में सीधा जेल में डालते तो कोर्ट की या बंद कर दें, जब गोली मारना है तो कोर्ट बंद कर दें, डायरेक्ट काउंटर करें, अब कोर्ट किस लिए है, कोर्ट किस लिए, यही के लिए ना, तो कोर्ट अब बंद कर दे जब यही करना उनको। मुसलमानों में मैं आपको कहूं तो ये जो एनकाउंटर है इसका बड़ा ही एक अपना एक रोष है, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है अखिलेश की तरफ से मतलब उकसाया गया, इसीलिए बाबा ने ये सब कुछ कर दिया, और भी थोड़े से कुछ लोग बैठे हैं, अगर उनसे बात हो जाए तो बहुत ही। आपका नाम दीदी क्या है? मेरा नाम मत पूछिए, आप जो बताएंगे वो आप दिखाएंगी, नहीं तो मैं वही चीज़ दिखाऊंगी जो मैं आप बोलेंगी, मैं वो दिखाऊंगी,
होगा। आप अगर यहाँ का, यहाँ की सत्ता, यहाँ योगी जी इतने इंसाफ, बिना नाम का बताइए, नहीं इंसाफ पसंद है तो अभी वहाँ 1-1.5 साल पहले आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, कसारी मसारी के 2 मामा भांजे हिंदू के घर में मारे गए हैं, तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया उनका? वहाँ इनकाउंटर नहीं हुआ, वहाँ बुलडोजर नहीं चला? ये इंसाफ है? ये सिर्फ और सिर्फ मजहबी लड़ाई है। अगर लड़ाई ना होती तो हिंदू मुसलमान को मारे तो अच्छी बात है, और अगर मुसलमान से हो गया तो उसको कोर्ट छोड़, कचहरी छोड़, सीधा गुंडागर्दी। ये यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, यही है। 2 साल पहले जब 2 मामा भांजे वहाँ मारे गए थे तो बुलडोजर बाबा जी का क्यों नहीं चला? कहाँ पे? मीरा पट्टी में जाइए आप, इसको निकालिए, तफ्तीश करिए और बाबा जी के पास भेजिए और कहिए अगर इंसाफ पसंद आप हैं तो मरवाइए उनको, इनकाउंटर करवाइए, तो हम जाने कि हाँ आप भय मुक्त बना रहे हो उत्तर प्रदेश। भय मुक्त बना नहीं रहे, मुसलमानों को भय में डाल रहे हैं कि हम गुंडई से ऐसा चलेंगे, तुम कुछ करोगे बुलडोजर चलवाएंगे, जेल भेजेंगे, काउंटर करवा देंगे, तुम्हारे घर के आदमियों को फंसा देंगे, औरतों को फंसा देंगे, ये भय डाल रहे हैं। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया तो मैं नाम आपका इस्तेमाल करके बात नहीं कर सकती, मैं आपको बहन कह देती हूँ। बहन एक बात बताओ, अभी 50 दिनों मेरे ख्याल से अभी जब ये एनकाउंटर हुआ दिन दहाड़े प्रयागराज की सड़कों पे, इसको क्या कहोगे आप? उमेश पाल का जो एक दिन दहाड़े कुछ लोग निकलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, पूरी मतलब भरी भराई ट्रैफिक है, बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के गनर को भी मारते हैं, उमेश पाल के भी दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं, क्या कहोगे? हम इसको वही चीज़ तो कह रहे हैं कि ये अगर मुसलमान से होता है तो वो उसका काउंटर किया जाता है, इसके लिए कोर्ट बैठी थी ना, आजीवन करवा देते, कभी ना छूटने देते, तो हम जानते कि ये इंसाफ है। अगर वही दिन दहाड़े 2 मर्डर अपने घर में, 2 मुसलमानों का, मामा भांजे का, इसी रमज़ान में हुआ है, तब उसको क्या कहेंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं और आपकी सरकार से पूछ रहे हैं, बाबा जी से पूछ रहे हैं कि उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? वही जीटी रोड पे हुआ है, जाइए इसको निकालिए और बाबा जी के पास पहुंचाइए। हाँ, उसको पहुंचाइए कि जब वो 2 मामा भांजे मारे जाते हैं तब इनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाता है? तब हम लोग मतलब आप लोग कह रहे हैं कि आजीवन अगर कारावास हो जाता असद को या फिर उसकी पूरी गैंग को, कुछ भी देती, फांसी दे देती, कोर्ट फांसी दे देती, हमको मंजूर था। और ये लेकिन ये इनकाउंटर मंजूर नहीं, ये भी मंजूर तब होता जब मुसलमानों के साथ गलत होता, हिंदुओं का होता तो। विकास दुबे को क्या? विकास दुबे इसमें पुलिस और सत्ता फंस रही थी इसलिए वो मारा गया, क्यों नहीं मारे गए? कसरिया वाले का इनकाउंटर आप करवाइए ना, करवाइए, उनके नाम FIR नहीं हुई है, FIR नहीं हुई जो कसरिया के 2 लोग मारे गए हैं मामा भांजे, उनके नाम FIR है, और जाके उनका रिकॉर्ड निकालिए, वो ना कोई क्राइम में है, वो भूसा की दुकान चलाते थे। जिन्होंने मारा वो कौन है? वो जमीन का काम करते थे, वो जमीन का काम करते थे, मीरा पट्टी के रहने वाले, और ऐसे ही दिन दहाड़े रोड पे हत्या हुई है 2 लोगों की, मामा भांजे की मार के, उनके नाम FIR नहीं हुई। आप ये देखिए, अगर कार्रवाई होती है तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आप दोनों तरफ से कार्रवाई कीजिए, अगर आजीवन कारावास भी हो जाता, अगर कोर्ट उनको फांसी तक भी चढ़ा देती तो भी हमें मंजूर होता, लेकिन ये जो एनकाउंटर है इसके ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अच्छा, एक और मैं बात अगर आप लोगों से पूछूं, जो आपने कहा मैंने वही रिपीट किया, आपने देखा, मैं एक हाँ बिल्कुल दूंगी। एक और चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई राजनीतिक पार्टी अब आप लोगों के पास आती है, क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, पक्का है कि चुनाव के समय इस मुद्दे, ये मुद्दा तो उठना ही उठना है, अभी से ही ये चर्चाएं उठनी शुरू हो गई कि भाईचारे का कत्ल है, संविधान का कत्ल है, तो क्या उन राजनीतिक पार्टियों को, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे ओवैसी हो, आप मुसलमान जो भाई बहनें जो भी हैं, वो क्या अपनाएंगे उन लोगों को? हाँ बिल्कुल अपना सकते हैं, बिल्कुल अपना सकते हैं, ओवैसी को तो बिल्कुल अपना सकते हैं, अखिलेश को? अखिलेश की बात नहीं करते हैं क्योंकि अखिलेश ने भी कहीं ना कहीं खेल खेला है इसमें, खेल के इस्तेमाल किया है इनको, इस्तेमाल करने के बाद इनके साथ, क्योंकि अखिलेश अगर इतने ही अच्छे होते तो अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए ना, उस दिन योगी जी को भड़काने वाले अखिलेश यादव ही थे, तो अखिलेश का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ओवैसी के साथ तो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ मजहब को लेकर वो हो रहा है ना, मजहब को लेके अगर ना होता तो हमारे लिए इस सरकार से, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन भी नहीं हैं, हम लोग रोज़ के कमाने और खाने वाले, ना प्लॉटर हैं, ना राजनीतिक में है, ना बिजनेसमैन है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है हमको, ना इनसे कोई मतलब है, कि इनसे कोई मतलब है, इनसे कोई हमको फ़ायदा था, बेनिफिट था, कुछ नहीं। लेकिन ये जो हुआ है ये हर मुसलमान को, आदमी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन ये गलत हुआ है, बोल रहा है आदमी, डर से नहीं बोल रहा, क्योंकि भय फैला रहे हैं मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान बोलेगा या जेल जाए या FIR हो या उसके आदमी को फंसा दिया जाए, उसका या उसका घर गिरा दिया जाए, ज़्यादा होगा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो आदमी डरेगा, तो भाई भय मुक्त नहीं, भय फैलाया जा रहा है, ये बताइए उनको कि आप भय फैला रहे हैं। ये मेरी एक छोटी सी रिपोर्टिंग जो है वो आपको मैंने सीधा
अतीक के घर से दिखाया, यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे असद की मिट्टी आने वाली है और यहाँ पे तमाम उसके चाहने वाले जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं। आप देख लीजिए कितने सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे मिट्टी में उसके आए हैं, मातम मनाने आए हैं, उसके दुख में शामिल होने आए हैं। अच्छा, शाइस्ता परवीन जो है वो शायद अपने बेटे की मिट्टी में शामिल भी नहीं हो पाएंगी, तो इस पे आप लोग क्या कहें? इस पे हम लोग यही क्या उनको अब उनको मतलब पेशी दे देनी चाहिए या फिर अभी भी उनको अंडरग्राउंड ही रहना चाहिए? नहीं नहीं, उनको पेशी दे देना चाहिए क्योंकि इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। हमें दुनिया में तो अब किसी से वो नहीं है कि हाँ कोई हम लोग की हेल्प करेगा या कोई मुसलमानों की मदद करेगा, लेकिन हाँ अल्लाह पे बहुत भरोसा है। उनकी लाठी बे आवाज़ है हर किसी के लिए, जो मुसलमान या बिरादरी खिलाफत कर रही उसके लिए भी कह रहे हैं, और जो ये बाबा जी इनकी सत्ता इनकी पुलिस और ये जो एसटीएफ वाले हैं या जो भी फसाई था परवीन को, तो पहली बात फर्जी फसाया गया। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वो उनका तो एक वो आया था ना मैडम कि वो शूटर्स के साथ बैठ करके गुड्डू क्या नाम था गुड्डू आकाश क्या नाम था गुड्डू मुस्लिम के साथ बैठ के वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग। अभी अभी हम अतीक अहमद के बंगले पे बैठे हुए हैं, उन्हीं का है, इतनी औरतें हैं, कल की फोटो मेरा आ जाए किसी चीज़ में हमको फंसाया जाए कह दिया जाए अतीक से मिली हुई हैं, उनके बंगले पे दिख रही हैं, उनके बंगले पे बैठी हुई हैं, तो क्या हम हो गए अपराधी? भाई वो चुनाव प्रचार कर रही थी, गुड्डू मुस्लिम है साबिर है या फलाना है ढिकाना है जो भी हैं उनके साथ जाते थे, उनके शूटर्स के साथ प्रचार कर रही। हाँ वो पहले तो वो शूटर नहीं थे, शूटर बाद में, वो शूटर के साथ पहले चली है ना, उसके बाद तो उनका फोटो नहीं आया है ना, उसके बाद तो फोटो नहीं, घर में काम करते थे वो नौकर थे, नौकर शूटर, और उनको नहीं पता और उनके साथ वो, ये बात मैं कहीं ना कहीं इस बात को मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ, इस बात को मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ कि पूरी तरीके से अपराध को यहाँ पे वो बता दिया। एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन वही जो दूसरी तरफ भी अगर होता है कुछ एक्शन तो उसको पूरी तरीके से नकार दिया जाता है। बहरहाल मैं वही चाहूँगी कि आप लोग यहाँ से मेरी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी वो देखने का समझने का प्रयास करें, पूरा दिखाएंगे। आप डरिए मत, मैं कुछ नहीं, बंगले पे बैठे हैं तो हम लोग अपराधी हो गए। नहीं आप क्या मतलब अतीक से के साथ आपका कोई, मुझे आप कहाँ से आई हैं पहले? हम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आए हैं। 40 किलोमीटर दूर से आई हैं और ये अपना बता रही कि इनका कोई संबंध मतलब उस तरीके का नहीं था? कोई संबंध यहाँ ज्यादातर किसी का नहीं है उनसे, जो संबंध वाले हैं वो कोई आए ही नहीं है, एक मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से आए हैं लोग यहाँ हैं, जो संबंध वाले हैं वो अभी कोई आए ही नहीं है, ज्यादातर तो सब उनके संबंध वाले या फरार हैं या जेल में हैं। और मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी जिसपे वो दौड़ता था, जिसपे मतलब एक तरीके से आप कहिए उसको विश्वास था कि मेरी कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी के इतने सारे लोग जो हैं उसके बेटे के मिट्टी पर जो हैं आए हैं। ये मेरी एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को मैंने दिखाने का प्रयास किया, अतीक अहमद के बंगले से जो है वो डायरेक्ट मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि क्या महिलाएँ क्या बच्चे क्या बुज़ुर्ग क्या नौजवान सब के सब यहाँ पर अपना गम अपने नेता के लिए जो है वो दुख प्रकट करते हुए नज़र आ रहे थे। इसी के साथ धन्यवाद, और कई सारे मन में सवाल भी थे।